पैसे की चिंता, पैसे की कमी, पैसे की परेशानी आदमी को जीने नहीं देती। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करने के बाद, बहुत सी जुगत लगाने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं बचा पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रही हूँ जिनकी मदद से आप पैसे की बचत कर पाएंगे। ये ट्रिक बहुत ही आसान, सिंपल, प्रैक्टिकल और बिल्कुल नेचुरल है। आप इसे इस्तेमाल करके देखिएगा। 3-4 साल पहले मैंने ये ट्रिक यूज़ करी थी और उसके बाद मतलब कंफर्टेबल, टचवुड की मैं इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई। ये फाइनेंशियल प्लानिंग की जो रूल है, यह है 50-30-20 का रूल। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। शुरू से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कुछ समय बाद आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसका इस्तेमाल करके आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट ट्रिक है, 50, जो भी आपकी मंथली इनकम है आपकी, मान लीजिए आपका उसका 50% तो आपका खर्च हो ही जाएगा, रेंट में, होम लोन में, रहने में, फिर उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ से वहाँ कम्यूट करने में, आने जाने में, चाहे वो बस ट्रांसपोर्ट हो, कार ट्रांसपोर्ट हो, आप कोई भी व्हीकल अगर हायर करते हैं, जैसे भी आप जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाएगा, यूटिलिटीज़ में, बिजली का, पानी का बिल, इसके अलावा आपका जो नेट का बिल आता है, मोबाइल का बिल आता है, जो भी आपकी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं उस सब के अंदर, उसके अलावा ग्रॉसरीज में खाने पीने का खर्चा, आपका महीने का राशन, टोटल मिला के समझ लीजिए आप 100 में से 50% तो आपका इन सब चीज़ों में जो मैंने आपको अभी खर्चे बताए इसके अंदर 100% खर्च हो जाएगा, 50% 100 में से खर्च हो जाएगा। तो ये हो गई रूल 50 की बात। अब चलते हैं रूल 30 के ऊपर। 30% जो खर्चा होगा वो होगा जीने में, एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए, थोड़ी कुछ अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, ईटिंग आउट, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना, इसके अलावा कुछ अपने लिए कुछ कपड़े खरीदना, कुछ शॉपिंग करना, कुछ लाइफस्टाइल को अपनी इम्प्रूव करना, अपार्ट फ्रॉम दैट लेजर एक्टिविटीज़ के लिए, बट ऑब्वियसली कुछ तो मजे करना चाहोगे ना आप भी। हो गया 30%। अब जो आपकी सैलरी का 20% अमाउंट है वो हर हालत में आपका 20% एक्टिव सेविंग और एक्टिव इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट। और इस 20% जो बचा है इसको आप बैंक में रखेंगे, सेविंग करेंगे, और केवल बैंक में ही नहीं रखेंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये पैसा आगे बढ़ता चला जाए। ये पैसा हर हालत में बढ़ना ही चाहिए, तभी आपके जो फ्यूचर ईयर्स हैं वो कंफर्टेबल हो पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था 50, 30 और 20 का रूल। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।